अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो कि 2007 के पेपर्स में आए हुए थे, उसमें जर्नलिज्म था, केमिस्ट्री था और बॉटनी जोलॉजी, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या देखेंगे कि जो उर्दू, CAS और इंग्लिश के पेपर्स में आए थे। जनरल नॉलेज है वो सबसे रिलेट कर सकता है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कुछ पढ़ना है आपने तो किस तरह से पढ़ना है। ऑल द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सिक्योरिटी रिस्क एंड पॉसिबल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एक्सेप्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, वायरसेस भी होते हैं, हैकर्स भी हैं, स्पैम जो है वो बस जस्ट तंग करते हैं, बाकी उसमें सिक्योरिटी रिस्क वगैरह कोई नहीं होता। ये ऐसे ही स्क्रीनशॉट लिए गए हैं उन पेपर्स में से, तो इसमें थोड़ा सा कुछ जो है वो मध्यम भी हो सकते हैं। इन एमएस वर्ड 2007 विच शॉर्ट की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। बी है ए कंट्रोल एम। लेफ्ट इंडेंट होता है कि पैराग्राफ के स्टार्ट से जो है हम जो है थोड़ा सा वर्ड जो है स्पेस छोड़ के शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ वेस्ट आफ्टर 15% डिस्काउंट इज ₹102। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वेस्ट बिफोर द डिस्काउंट। तो इसका जो है जो वैल्यूज हैं इनका, इसका आंसर है बी, सेकंड ऑप्शन है। तो इनका 15% निकाल के उसको उसमें से माइनस कर लें टोटल में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 84 है। कंप्लीट द नंबर सीरीज, ये सबका सही होना चाहिए। 4 से 9 है, 9 से 13 है, क्या है जी? 4 और 9 13 बनते हैं। 9 और 13 जो है वो 22 बनते हैं। 13 और 22 35 बनते हैं, और 35 और 22 जो है ये 57 बनेंगे। कन्वर्ट द पैसिव वॉज, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। द इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ए ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक। आई इंट्रूडेड अपॉन हिज प्राइवेसी। फिल इन द ब्लैंक। द कबर्ड वाज टू बिग, टू ज्यादा के लिए टू हो सकता है, टू बिग टू फिट थ्रू द डोर, ए ऑप्शन है। कंप्लीट द एडियम टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। पर्ल्स मोती वगैरह होते हैं, स्वाइन वैसे तो इसका मतलब तो ये होता है कि सुअर होता है, लेकिन इस मुहावरे का मतलब है, इडियम का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। इफ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स रिलेटिवली इजी इट इज कॉल्ड एज। केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वालों के लिए इजी होगा ये। वायर्स जो हैं वो डक्टाइल होता है, ये नेट पे कुछ इसका सोल्यूशन है, उसमें मेलेबल लिखा हुआ ऐसा नहीं है। मेलेबल जो है पहली ऑप्शन, अगर वो शीट्स की बात करें तो वो मेलेबल होता है, डक्टाइल डक्ट वायर्स पाइप वगैरह कहते हैं। प्लांट्स प्राइमरली गेट देयर नाइट्रोजन। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन अपनी ज्यादातर सॉइल से लेते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ फॉर ओवरसीज पाकिस्तान इन द गवर्नमेंट। उस वक्त जो है वो कामरान माइकल थे जो है, अब जो है अब जुल्फी बुखारी है उनका नाम, वो है स्पेशल एडवाइजर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। नोबल प्राइज विनर इन लिटरेचर नदीन गोर्डिमार बिलोंग्स टू, ये साउथ अफ्रीका है इसका ऑप्शन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शेल गैस, यूएस है। विच अमेंडमेंट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इनहांस द पावर ऑफ प्रेजिडेंट सब्सटेंशली इंक्लूडिंग पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। इफ कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट परमिट फंक्शनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये 8th अमेंडमेंट थी, 8वीं तरमीम जो है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है उसमें अमेंडमेंट्स की गई। 18वीं तरमीम 19वीं तक जो है वो काम आन पहुंचा है। 8वीं तरमीम में सदर को ये इख्तियार था कि वो असम्बलियाँ जो है वो तोड़ सकता है, जो है असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। इसी तरह जो है फारूक लगारी साहब थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब की जो असम्बली थी वो डिसॉल्व कर दी थी।
लेकिन 18th amendment में ये इख्तियार जो है सदर ने वापस जो है कर दिया अपने से, और जरदारी साहब ने जो है ये इख्तियार जो है वो वापस कर दिया। अब सदर को ये इख्तियार नहीं है, और वो 18th amendment थी 2015 में। ये कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन सीए 1920। ये आपको पता होना चाहिए सबको कि कांग्रेस कब ज्वाइन की, कांग्रेस कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी, कायदे आजम ने कब ज्वाइन किया। अच्छा 96 है। नेम ऑफ डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, उस वक्त जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब थे, आप जो हैं आई थिंक इफ्तखार साहब हैं, उनका नाम भी देख लीजिएगा, बाबर इफ्तखार आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन डील विद रेफ्यूजीज रेफ्यूजीज इशू, दैट इज UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के ऑप्शन है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तारिक बाजवा, ये अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा। मरूफ क्लासिक की नावल अमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन हैं, ये जो है मोहम्मद हादी रुसवा हैं। जेरो जबर करना का है मुहावरा, इसका मतलब है उलट पलट करना, ए ऑप्शन है। ये देख लीजिएगा जो है इंग्लिश में जो है ये इधर से स्टार्ट होता है, तो उर्दू में भी इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, ये राइट साइड से नहीं स्टार्ट हो रहा। ये जो है CS वगैरह से लिया गया आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ NoSQL डेटाबेस टाइप, ये डिफरेंट डिफिकल्ट है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस बी ऑप्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स और मैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है एप्पल के, बाकी जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। 82 है जी। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड इन MS वर्ड, जब वर्ड में हम फुटर और हेडर लगाते हैं तो किस पे होता है, सारे पेज पे डिफॉल्ट होता है, कुछ चेंज करना पड़ता है अगर हमने एक पेज पे लगाना हो या किसी पे लगाना हो, सी ऑप्शन है। कंप्लीट द नंबर सीरीज, ये देखें नंबर सीरीज 1531, थोड़ा सोचेंगे तो सही हो जाएगा। ये है 15 को डबल किया उसमें एक ऐड किया 31 आ गया, 13 को डबल किया उसमें एक ऐड किया 63, 63 को डबल किया एक ऐड किया 127, इस तरह 255 को डबल करेंगे तो 510 आ जाएगा, उसमें एक ऐड करेंगे तो 511 आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नन है इसमें आंसर, कोई इन ये चारों रॉन्ग ऑप्शंस हैं, पहले इनको ऐड कर लें फिर इनको ऐड कर लें, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है इसमें। टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब है जो कॉन्सिक्वेंसिस जो है फेस करना, यानी क्या कहते हैं लगना चाहेगा, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसिस डी ऑप्शन है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पॉस्थमस आफ्टर डेथ, ए ऑप्शन है इसमें। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मीनरिंग, बी ऑप्शन है सट्रेट। बाकी जो देखें थोड़ा सा है आपको आइडिया हो जाए, कर्व, स्लोपिंग, स्लाइडिंग, ये तीनों एक जैसे हैं, तो चौथा डिफरेंट जो है वो यही है सट्रेट है, तो यहाँ से भी कुछ आपको आइडिया हो सकता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सी है डाइकोटमी, डाइकोटमस जो है वो सीड्स वगैरह होते हैं, जो है उर्दू में यक दाला और दो दाला कहते हैं, जैसे चने वगैरह हैं इसमें दो पीस होते हैं डाइकोटमी होते हैं, कुछ जो है वो मोनोकोटमी होते हैं। टू विच फ्रूट इज प्लांटेन सिमिलर टू, हमारे तो ये फ्रूट नहीं होता प्लांटेन जो है, ये भी कुछ नेट में जो इसके सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं कुछ इधर उधर वो गलत पड़े हैं इसमें, ये बनानास की तरह का ही फ्रूट होता है, इंडिया के कुछ इलाकों में ये पाया जाता है। एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, हम सुनते आते हैं कि विटामिन डी मिलता है। अब याद रखिएगा सूरज की सनलाइट या सूरज की रोशनी या छाओं में विटामिन डी नहीं होता, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सनलाइट जब पड़ती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल्स जो हैं वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सूरज की छाओं में विटामिन नहीं होता उसे, तो हम आसानी के लिए सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि इसे हमें विटामिन डी मिलता है।
हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू रिजाइन वाइल इन ऑफिस, जो इसने रिजाइन किया वो रिचर्ड निक्सन है, सी ऑप्शन है। द करंट कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान इज अस्ताना। अब इसका भी नेम चेंज कर दिया गया है, नेम द फॉर्मर कैपिटल अलमाते है, जो इससे पहले था। अब आई थिंक अस्ताना का अब नया नाम है नूर सुल्तान है। इन ज्योग्राफी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंगी, ये सुपर कॉन्टिनेंट है। ये अब खत्म हो गया हुआ है। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम वॉज ए ढाका। विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया, याद रखिए ये पर्शियन थी ऑफिशियल लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट, रेसलिंग जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द यूनियन जैक, यूनाइटेड किंगडम, नेम से भी काफी हद तक आइडिया हो जाता है। यूके, या रखिएगा यूके का जो है फ्लैग वो डिफरेंट है, इंग्लैंड थोड़ा सा डिफरेंट है, इनकी इंग्लैंड और यूके में डिफरेंस है। यूके जो है वो तमाम जो है उसके साथ जो है स्कॉटलैंड वेल्स वगैरह भी उसमें आते हैं, और इंग्लैंड जो है वो अलग है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो इनकी फुटबॉल टीम्स अलग अलग हैं, इंग्लैंड की फुटबॉल टीम अलग है, वेल्स की अलग है, स्कॉटलैंड वगैरह की फुटबॉल टीम अलग है। लेकिन जब अगर आप क्रिकेट को देखें तो वो है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेट टीम उनकी एक ही है। 98 बाओ फोरम ऑफ फॉर एशिया विच होल्ड इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस एट बाओ हेनन प्रोविंस चाइना वॉज ओरिजिनली प्रपोज बाय फॉर्मर प्रेजिडेंट रेमोस ऑफ फिलीपींस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोनहीरो होसाकावा ऑफ जापान, एंड थर्ड था जो है जापान और फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया का था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तरक्की तमाम होना जो है डी ए बहादुरी खत्म होना के बस हो गई है जी। अमीर खुसरू किस शहर में मदफून है, ये बरेली, राय बरेली जो है इंडिया में है जी। नेक्स्ट ये उर्दू से लिया गया है, इसमें दो क्वेश्चन वो भी आए हुए हैं पहले, 79-80 जो है हमने लिए हुए हैं। लेकिन थे दश्ते सूस किसका नॉवल है, ये जमीला हाशमी का है। आनंदी एक मशहूर अफसाना किसकी तख्लीक है, गुलाम अब्बास है। अबीद रिजवी इज अ फेमस इन द फील्ड ऑफ, ये हेल्थ केयर है, डॉक्टर हैं ये। जीटी रोड इज वन ऑफ द मेजर हाईवे ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब जीटी का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये शेर शाह सूरी ने बनाई बनवाई थी। विच कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल, गिफ्ट ऑफ नाइल है ये वर्ड, इजिप्ट है सबको पता है, नाइल नील दरियाए नील है। बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नोन हैज सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ जो है ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल उसका गवर्नर रहे हैं। हु स्टार्टेड द खाकसार तहरीक इन 1930, अलामा अनायतुल्ला मशरकी, डी ऑप्शन है, इसे अलामा मशरकी भी कहते थे। मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, सी है बहरेन। नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील हु हैज बीन सेंटेंस टू नियरली 10 ईयर्स इन प्रिजन ओवर अ करप्शन, ये डी है लूला डा सिल्वा इसका नाम था। द वखान कॉरिडोर लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो है एक किससे बिलोंग करता है, अफगानिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान आता है, इन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है, जो है अफगानिस्तान का हिस्सा है जी। एक्ट्स एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी जो है, कैशे ये टेम्परेरी मेमोरी टाइप होती है। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, यूजर नेम और आईडी जो पहले है और उसके बाद एट होता है, एट के बाद जो है वो डोमेन नेम होता है, ए जो है। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग 13 फ्रॉम द राइट एंड 8 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल, टोटल कितने हैं। एक स्टूडेंट है एक साइड से गिने तो 13वां आता है, दूसरी साइड से गिने तो 8वां आता है, इसका मतलब एक साइड पे उसके 12 लोग खड़े हैं, एक साइड पे 7 लोग खड़े हैं, ये 19 हो गए और 20वां वो खुद है।
तो 20 हो गया, सी ऑप्शन है। अ पर्सन क्रॉसेज अ 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 6 मिनट, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर है 6, जो है 600 मीटर को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, 6 मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे तो आवर्स में आ जाएगा, तो ये जो है जी 6 इसका आंसर है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, बेटर बेटर लेट देन नेवर। मोटरवे पे भी ट्रेवल करें लिखा होता है कि स्पीड अपनी जो है नॉर्मल रखें, बेटर लेट देन नेवर, कभी ना पहुंचना, लेट पहुंचना बेहतर है कभी ना पहुंचने से। फिल इन द ब्लैंक, अ जज शुड डील विद होता है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक, इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ एशिया। दा जो है वो किसी को जो है वो प्रॉपर नाउन बनाने के लिए लगाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मैनी पीपल आर देयर, ए ऑप्शन है। और 57, सी वाटर सॉल्ट वाटर फ्रीजेज एट, सॉल्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा इसे ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, इसका मतलब है जो है द स्लाइटली लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है फ्रेश वाटर की निस्बत। पेलेंटोलॉजी, पेलेंटियोलॉजी जो है ये हिस्ट्री स्टडी करने के लिए फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं पेलेंटियोलॉजी। ये थे कुछ हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि 3 डिफरेंट पेपर से हमने देखे थे। अब इस सीरीज की एक वीडियो और बनाऊंगा बस, जिसमें कुछ और पेपर जो रिमेनिंग है उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।